हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विंग्स कॉम्पिटेंट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम अपना JEE 2020 का 7th जैन का इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है, ये क्या दिया है? लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो एंड इफ पी ऑफ के इज इक्वल टू अल्फा ऑफ के प्लस बीटा टू द पावर के वेयर के इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ठीक है, इसमें से कौन सा आपका नॉट ट्रू रहेगा? तो यहाँ पर हमने दो फॉर्मूला को पहले से लिखा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको मोल्ड करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल के रखे हैं और ए प्लस बी का होल क्यूब को मोल्ड करके ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकाल के रखे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? पी के। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो दिया है, पी ऑफ के में पी वन रखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं पहले। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो से अल्फा प्लस बीटा होता आपका माइनस बी बाई ए तो हो जाएगा वन एंड अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए तो हो जाएगा आपका माइनस वन। ठीक है, पहला चीज पी ऑफ के अल्फा प्लस बीटा आपको मिल गया। पी ऑफ टू निकालेंगे, पी ऑफ टू क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर दैट इज वन का होल स्क्वायर माइनस ऑफ टू टाइम्स ऑफ माइनस वन तो हो जाएगा आपका थ्री। सेकेंड पी थ्री निकाल के देखते हैं, जो आपको फॉर्मूले में चाहिए उसी आंसर में चाहिए उसी की वैल्यू रखेंगे। बस अपन P3 में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हो जाएगा, दैट इज अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब वन का क्यूब माइनस थ्री इंटू अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा माइनस वन और अल्फा इंटू बीटा ये हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा कितना? वन माइनस माइनस प्लस थ्री हो जाएगा फोर। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन देखते हैं क्या, एक आपको चाहिए पी फाइव। पी फाइव निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? पी फाइव मतलब हो जाएगा यहाँ पर अल्फा टू द पावर फाइव प्लस बीटा टू द पावर फाइव। इसको निकालने के लिए हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के साथ। अल्फा और अल्फा का मल्टीप्लीकेशन फाइव प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब प्लस बीटा टू द पावर फाइव। तो जो अपने को चाहिए अल्फा टू द पावर फाइव प्लस बीटा टू द पावर फाइव अलग हो गया, इन दोनों से अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर कॉमन निकाले तो बचा बीटा प्लस अल्फा, ये आपको वैल्यू चाहिए एज इट इज आ गया। प्लस ये आपका कितना जाएगा? अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर मतलब माइनस वन का स्क्वायर और ये कितना जाएगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपका कितना दिया? वन। तो आ जाएगा अल्फा का पावर फाइव प्लस बीटा का पावर फाइव इज इक्वल टू यहाँ पर आपका हो जाएगा ये अल्फा। P5 का वैल्यू चाहिए और P5 कैसे निकाल रहे अपन? P3 इन P2 इंटू P3 करके, तो यहां पर आपको आ रहा है कितना? माइनस वन इज इक्वल टू ट्वेल्व अल्फा का पावर फाइव प्लस बीटा का पावर फाइव इज इक्वल टू माइनस वन प्लस, तो यह आ जाएगा इलेवन। ठीक है, उधर जाएगा इलेवन, तो यहां से क्लियर हो जा रहा है। अगर अपन यहां रखते थ्री इंटू फोर तो आ रहा है ट्वेल्व, ट्वेल्व इज नॉट इक्वल टू इलेवन, तो इसका ऑप्शन पहला ही आपका नॉट ट्रू होगा कि अगर P5 की वैल्यू निकालते जो 11 आ रहा है तो P2 into P3 3 into 4 से 12 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, हिट एंड ट्रायल का क्वेश्चन है, इसलिए पहला ऑप्शन को ही सॉल्व किए हैं अपन, तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 56 सॉल्व होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 57, इसमें क्या दिया है? लेट द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एट एक्स माइनस फोर वाई प्लस सिक्सटीन इज इक्वल टू जीरो touch it at the point A and B, then AB whole square is, okay? तो इसका एक छोटा सा डायग्राम देख लेते हैं। ये सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो सर्कल का हमने एक बेसिक लिख लिया है, अगर आपको लोगों को मिस आउट हो रहा होगा तो x square y square 2gx 2fy plus c का जो रहता है सेंटर माइनस जी माइनस एफ आता है रेडियस रूट ओवर ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये आपका यूज होगा। एक आपका यहाँ पर सर्कल दिया है, ये अपन ओरिजिन मान लेते हैं। ठीक है, ओरिजिन है आपका पॉइंट जीरो कॉमा जीरो, इससे दो अगर टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, ये आपका टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है ये पॉइंट ए पर और ये पॉइंट बी पर, इसका जो लेंथ का स्क्वायर आपको निकालना है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू। ठीक है, तो सबसे पहले सेंटर अपन यहां पर निकालते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एट एक्स और माइनस फोर टू जी एक्स और टू एफ वाई से देखेंगे तो सेंटर आपका आ जाएगा फोर एंड टू। ओके, रेडियस निकालना है आपको, रेडियस ये आपका होता है रूट ओवर ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, है ना, तो ये 16 प्लस 4 कांस्टेंट की वैल्यू माइनस 16 ये कैंसिल होके आ गया आपका 2। नाउ ए बी क्या होता है आपका?
ठीक है, लेंथ उसका होता है एबी का डायरेक्ट फॉर्मूला हम रख सकते हैं 2LR अपॉन रूट ओवर ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वेयर आर इज इक्वल टू रेडियस, ये आपका आ चुका है। एल मतलब क्या होता है, एल मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकलेगा, जिस पॉइंट से अपन को रखना है एक्स वन वाई वन से उसका रूट ओवर ऑफ, तो एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस यहां पर हो जाएगा माइनस एट एक्स वन माइनस फोर वाई वन प्लस 16, ठीक है। जो भी आपका कर्व रहेगा उसमें एक्स वन वाई वन पुट करना है, तो यहां पर एक्स वन वाई वन आपका क्या है, जीरो कॉमा जीरो, तो एल आपका आ जाएगा टोटल रूट 16 दैट इज 4, सब में एक्स और वाई जीरो हो जाएगा। नाउ सिंपल इसे पुट करेंगे अपन, ए बी का वैल्यू 2 इंटू 4 इंटू 2 अपॉन रूट ओवर ऑफ 16 प्लस 4, तो याद है कितना आपका 4 4 16 डिवाइडेड बाय 20, और इसका होल स्क्वायर लेना है आपको, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर अगर अपन ले लेंगे तो हो जाएगा 256 अपॉन 20, ये रूट 20 रहेगा, स्क्वायर करने पर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 64/5, 64/5 ये आपका आंसर, ठीक है। इसमें डायरेक्ट आपको फॉर्मूला आप पता होना चाहिए कॉर्ड का, ये अपन पढ़े हुए हैं 2LR अपॉन रूट ओवर ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इससे ये क्वेश्चन आपका बनेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 58, इसमें क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच 4 अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 टू 2 ई टू द पावर माइनस अल्फा मॉड ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 5 इज, अल्फा की क्या वैल्यू होगी इसके लिए, लॉग ई 3 बाई 2, लॉग ई 4 बाई 3, लॉग ई रूट 2 और लॉग ई 2, ठीक है। तो ये सिंपल आपका डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं क्या होगा, इसको हम कंसिडर क्या कर सकते हैं, 4 अल्फा एज इट इज है, इसको हम ब्रैकेट में इंटरवल चेंज करते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मॉड एक्स है, मॉड एक्स के लिए निगेटिव अलग होगी पॉजिटिव अलग होगी, तो एक इंटरवल लेते हैं अपन माइनस वन से जीरो ई टू द पावर ऑफ माइनस अल्फा एक्स, ठीक है, या इसको अगर माइनस माइनस रखेंगे यहां पर तो ये प्लस एक्स हो जाएगा ई टू द अल्फा एक्स, और प्लस जीरो टू टू ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स, जब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी तो ये माइनस ही आंसर आएगा, ये आपका डी एक्स है प्लस ये भी आपका डी एक्स होगा इज इक्वल टू 5। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 अल्फा एज इट इज है, ये हो जाएगा ई टू द पावर अल्फा एक्स अपॉन अल्फा प्लस ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स अपॉन माइनस अल्फा, यहां पर आपका तो लग जाएगा माइनस 1 टू 0 और यहां पर लिमिट लग जाएगा आपका 0 टू 2 इज इक्वल टू 5, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो पहला का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो वन आ जाएगा, माइनस ई टू द पावर अल्फा एक्स अपॉन अल्फा, ये माइनस ऊपर आके यहाँ माइनस हो गया, पहले वैल्यू टू रखेगा तो ई टू द पावर माइनस टू अल्फा, दूसरे में वैल्यू जीरो रखेंगे तो ये वन हो जाएगा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 5, अल्फा कॉमन एलसीएम निकल के यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो 4, ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 2 माइनस ई अल्फा एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस टू अल्फा इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब यहां पर अपन क्या देखते हैं, जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस अल्फा हो जाएगा, एक चीज यहां पर रखना है। अब इसको कंसीडर करेंगे कि लेट ई टू द पावर माइनस अल्फा इज इक्वल टू टी, तो क्वेश्चन आपका क्या बन जाएगा, 4 2 माइनस ई टू द पावर टी सॉरी टी माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 8 माइनस 5 इज इक्वल टू टी प्लस टी स्क्वायर प्लस टी सॉरी 4 टी स्क्वायर 4 टी माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका माइनस हुआ, ये भी माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब इसमें करेंगे 4 टी स्क्वायर प्लस 6 टी माइनस 2 टी माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यहां से आपका 2t कॉमन तो बचा 2t प्लस 3, यहां से माइनस 1 कॉमन तो 2t प्लस 3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू एक आ जाएगा 1 बाई 2 और एक हो जाएगा माइनस 3 बाई 2, तो माइनस वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे अपन, t टू द पावर t की वैल्यू 1 बाई 2, तो t आपका क्या था e टू द पावर माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई 2, e टू द पावर माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2 टू द पावर माइनस 1, तो यहां पर आ जाएगा टेकिंग लॉग, तो लॉग e टू द पावर माइनस अल्फा इज इक्वल टू लॉग 2 टू द पावर माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो पूरा आपका आंसर क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू लॉग 2, ठीक है।
तो ये आपका आंसर हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू यहां पर आ जाएगा लॉग टू। ओके, सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 59, इसमें क्या बोला है, लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x बी अ फंक्शन ऑफ x सेटिस्फाइंग y रूट ओवर ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू k माइनस x इनटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर वेयर k इज अ कांस्टेंट एंड y ऑफ 1 बाय 2 इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 4 देन dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dx एट x इज इक्वल टू 1 बाय 2 का आंसर क्या होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बट लेंथी क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया आपको, डिफरेंशिएशन निकालना है और एक क्वेश्चन दिया है यहां पर क्या है, जब x की वैल्यू 1 बाय 2 है तब y की वैल्यू माइनस 1 बाय 4 है, ये रखना है। सेकेंड आपको क्या दिया गया है, dy बाय dx एट x इज इक्वल टू 1 बाय 2 आपको निकालना है। ठीक है, कट। नेक्स्ट अगर अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं x इंटू वाई तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई 8। ठीक है, ये तीन वैल्यू अपने को मिला है जो यहां पर अपने को यूज होगा। तो सिंपल डिफरेंशिएशन करते हैं, अपने पास फंक्शन दिया है y रूट ओवर ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू k माइनस x रूट ओवर ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर। मल्टीप्लीकेशन रूल लगाएंगे, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन तो रूट का हो जाएगा 1 बाय 2 रूट 0 माइनस 2x चेन रूल प्लस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर एज इट इज इनटू y का डिफरेंशिएशन k कांस्टेंट का 0 माइनस ये भी वही होगा x एज इट इज 1 अपॉन 2 रूट ओवर ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर 0 माइनस 2y इनटू y डैश प्लस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर इनटू 1। ठीक है, जो जो वैल्यू कैंसिल होती है इसको कट करेंगे अपन, 2 से 2 कैंसिल माइनस 2xy अपॉन रूट ओवर ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर पहली चीज प्लस dy / dx एज इट इज है 1 माइनस x स्क्वायर इनटू y डैश इज इक्वल टू ये 0 से 0 कैंसिल ये माइनस पूरे के साथ यहां पर माइनस होगा ना, ये चीज ध्यान रखना। मल्टीप्लीकेशन बस आपको फॉलो करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है बट इसमें क्या हो सकता है, वो कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ज्यादा हो सकता है, माइनस का ब्रैकेट नहीं ओपन किए इस टाइप की चीजें। 2 से 2 कैंसिल माइनस माइनस प्लस x इनटू y इनटू y डैश अपॉन रूट ओवर ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर और माइनस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर। अब सेकेंड स्टेप आपको क्या होगा, y डैश वाली वैल्यू को सबको एक तरफ रखेंगे और सिंपल वैल्यू को एक तरफ रखेंगे तो जाएगा आपका रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश। यहां पर देखिए फिर मिस्टेक आपका दिख रहा है, 2 से 2 कैंसिल होगा तो यहां पर सिर्फ x इंटू वाई बचेगा। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं जितना सिंपल क्वेश्चन आएगा लेंथी होता है उतने आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है तो उसको आप बहुत ध्यान से अपन रखेंगे इस चीज को। तो यह आपका हो गया वाई डैश वाली वैल्यू माइनस एक्स इंटू वाई वाई डैश रूट ओवर ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर और राइट हैंड साइड में आपका है माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस हो जाएगा एक्स इंटू वाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब लास्ट स्टेप वाई डैश को कॉमन निकाल लीजिए आप, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या क्या रखना है आपको, x की वैल्यू रखना है, y की वैल्यू रखना है, x into y रखना है, ये सारी वैल्यू यहां पर रखेंगे तो y डैश की वैल्यू आपकी आ जाएगी इसमें सॉल्व करके जो ऑप्शन से आपका मर्ज होगा। ठीक है, अगर आप लोग को चेक करना है तो आंसर आपका अगर माइनस रूट 5 बाई 2 आ रहा है तो आपका कैलकुलेशन सही है, तो इसका राइट आंसर मैंने बताया ऑप्शन बी है, इसको चेक कीजिएगा पुट करके, अगर ये आता है तो आपका राइट आंसर होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 60, इसमें क्या दिया है, The number of ordered pairs r, k for which 6 into 35 cr is equal to k square minus 3 into 36 cr plus 1 where k is an integer is कितने number of ordered pair होंगे इसके लिए अपने को निकालना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल से यहां पर एक इक्वेशन को बस सॉल्व करना है आपको। ठीक है, ये आपका इक्वेशन है k square minus 3 36 सी आर प्लस 1। ठीक है, एन सी आर का फॉर्मूला लगाएंगे, ये होता है आपका एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 3 एज इट इज रहेगा। यहां पर हो गया आपका 36 फैक्टोरियल अपॉन आर प्लस 1 का फैक्टोरियल इंटू 36 माइनस आर माइनस 1 हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन अपन डायरेक्ट कर दिए यहां पर उसका फैक्टोरियल। ठीक है,
तो लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज रहेगा, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 35 का फैक्टोरियल आर का फैक्टोरियल, 35 माइनस आर का फैक्टोरियल, के स्क्वायर माइनस 3 एज इट इज, इसको लिख सकते हैं 36 इंटू 35 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा आपका आर प्लस 1 एज इट इज और आर का फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 36 माइनस 1 35 माइनस आर का फैक्टोरियल। तो 35 फैक्टोरियल यहाँ और यहाँ से कट गया, आर का फैक्टोरियल यहाँ और यहाँ से कट गया, और 35 माइनस आर का फैक्टोरियल कट जाएगा। तो लास्ट में आपका क्या बचा, सिंपल इधर बचा आपका 6 इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 3 इंटू 36 अपॉन आर प्लस 1, ठीक है। 6 से 36 भी कट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा आपका आर प्लस 1 अपॉन 6 इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 3, या आर प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 3 इज इक्वल टू के स्क्वायर। नाउ अब यहां पर हमको r की वैल्यू सपोज करना है, आपको क्या दिया है k इज एन इंटीजर, ठीक है। तो r की वैल्यू सबसे पहले अगर अपन 5 रखते हैं, r की वैल्यू 5 रखते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 प्लस 1 6, 6 बाय 6 1, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो k की वैल्यू प्लस माइनस 2, 5 प्लस 1 6 और इसका रख रहे हैं। सेकेंड चीज क्या रखेंगे, r की वैल्यू अगर अपन रखते हैं कितना 35, ठीक है, तो 35 प्लस 1 36, 36 से 6 का आंसर, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 9, तो के की वैल्यू प्लस माइनस 3। तो आर की टोटल आपका पे टोटल ऑर्डर पेयर कितना बनेंगे, ये दो और ये दो, इनके साथ 4 और ये आपका 5 और 35 आएगा, तो टोटल नंबर ऑफ पेयर आपके पेयर हो जाएंगे 4, ठीक है। प्लस 2 के साथ 5, माइनस 2 के साथ 5, प्लस 3 के साथ 35, माइनस 3 के साथ 35। तो ये आज आपने 5 क्वेश्चन देखा है, आगे आने वाले वीडियो में ऐसे ही इस क्वेश्चन पेपर को अपन और सॉल्व करेंगे। तब तक आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये टॉप वीडियो। ओके, थैंक यू।